मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े, पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें, इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की दो टीमें वहां पहुंची है, कहने की प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर के वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, इतना ही नहीं खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी, पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया।